निशाज रेनबो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हाय, गुड मॉर्निंग। अभी मेरा खाना बन रहा है और मैं आपको बाहर लेकर आई हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं बालकनी से कितना धुंध है, धूप भी है और थोड़ा सा धुंध भी है, बट अच्छा लग रहा है देखने में। कभी ऐसे धुंधले नज़ारे भी अच्छे लगते हैं ना, वैसा ही है कुछ। मैं आपको दिखाती हूँ। मॉर्निंग टाइम है, दौड़ भाग का टाइम है। हर कोई ऑफिस जा रहा है, जिसको जहाँ जाना है जा रहा है। जिंदगी एक सफर है, फिर से फिलॉसफी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और यात्री हैं हम सब, यहाँ अपने अपने पार्ट प्ले कर रहे हैं। ऐसे ही है लाइफ। एनीवेज, सुबह सुबह इतना हैवी बातों की ज़रूरत नहीं है। चाय पी कि नहीं आप लोगों ने? देखिए, आप लोग कहेंगे निशा ने पूछा ही नहीं चाय के लिए। चलिए आ जाइए, किसको किसको चाय पीनी है मैं बनाती हूँ। कैसे ना, फैक्ट ये है कि मैं आजकल चाय छोड़ने की कोशिश में हूँ और कुछ एक नई चीज़ें शुरुआत करने जा रही हूँ। शुरुआत करने के साथ ही मैं फिर आपको अपडेट करती रहूँगी। कुछ जो बैड हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स मीन्स कि थोड़ा लॉकडाउन में बैड हैबिट्स कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो गई। डेवलप इन सेंस कि काम तो हम सारे कर रहे हैं, बट ना रात में देर में सोना, सुबह देर में उठना। तो पहले तो इस चीज़ को रूटीन अप करना है। देन फिर खाने पीने में बहुत से इश्यूज़ हैं मुझे। इश्यूज़ क्या है, मतलब कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो कुछ चीज़ें मुझे फिक्स करनी है। कुछ टाइम पहले मुझे, पिछली सर्दियों में एक्चुअली खांसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो मेरा जो डॉक्टर को मैंने दिखाया था, उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए थे, उसमें मेरा एलर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं लगातार दवाएं ले रही थी। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मे भी आपको साल भर तो करने सीटी दे दी, बंद करके आती हूँ। तो मैं कह रही थी कि मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मे भी आपको साल भर ये दवाएं लेनी पड़ी तो आपका एलर्जी लेवल कम हो जाएगा। और अभी लॉकडाउन के दौरान मैं वो दवाएं लेती रही लगातार, लेकिन क्या हुआ कि मेरा एलर्जी लेवल जितना था उससे डबल हो गया है दवाएं लेने के बावजूद। एज सिम्टम ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। जो पहले खांसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब हर तरीके की वो होता है ना, जो मिले वही नुस्खा बता दे, वही कर लो कैसे भी करके, बस फ़ायदा हो जाए। जब खांसी इस लेवल की हो जाती है ना कि आप हर नुस्खा आजमाने को तैयार हो जाते हो, तो उस लेवल की खांसी हो गई थी मेरी। और सांस लेना मुश्किल हो जाता था, जब खांसी आती थी तो ऐसा लगता था दम निकल जाएगा। लेकिन वो सिम्टम्स नहीं हैं अभी भी, वो मे भी शायद दवा की वजह से ही हैं, वो चीज़ें की कंट्रोल में हैं। उसके बावजूद, दवा लेने के बावजूद अगर मेरा एलर्जी लेवल डबल हुआ है, तो शायद मुझे वर्क करना चाहिए और चीज़ों पे भी। मेरा फिज़िकल वेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, वो आप सब भी दिखता ही, आपको भी मुझे ऑलरेडी पता है ये चीज़। तो अब टाइम आ गया है मैं इस पे वर्क करूँ। तो चलिए, जो भी होगा आगे का अपडेट मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल किचन पे ध्यान दे दूँ थोड़ा सा। हे फ्रेंड्स, मैं और अब्र रेस्ट कर रहे हैं और अब्र मेरे ऊपर
लद के रेस्ट कर रहे हैं, लदे हुए कार्टून देख और इधर देखिए मम्मा के ऊपर लदे हुए हैं। देखिए देखो मैं वो कार्टून देख रही हूँ। हाँ कार्टून देख रहे हैं डॉगीज वाला, क्या नाम है इसका, क्या नाम है तुम्हें कार्टून का, इनको नहीं याद आ रहा है। ये देख रहे हैं कितना सारा यहाँ मेस फैला है, सारी दोपहर मेरी निकल रही है। आज जो फोटो फ्रेम्स मैंने आपको दिखाए थे अमेजोन से फैमिली मेमोरीज वाला, वो आज मैंने फाइनली उसमें फोटोज लगा दिए, अब उसे वॉल पे लगाना है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, फिर उठूँगी, फिर के चलने लगूँगी। चलिए जो भी बनाऊंगी आपको शेयर जरूर करूँगी, मन करो। तो दोस्तों आज के डिनर में बनाया है मैंने बाटी और चोखा, और घी हम लोग नहीं खाते हैं, बच्चों को दिया है तो मैंने अपने इसी एयर फ्रायर में बनाया है। और बच्चों की अर्श की और हस्बैंड की प्लेट आपको दिखाई, और ये केसरिया फिरनी बनाई थी। तो पसंद आया हो वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।